ईडी की कार्रवाई संदेहास्पद है। मुख्यमंत्री जी को 14 अगस्त को बुलाना और उसके बाद फिर सीधे 24 अगस्त को बुलाना संदेह पैदा करता है कि आखिर अगर इतनी ज़रूरत थी उनकी ईडी के पास उनको बुलाने की, तो 14 के बाद 17 का भी डेट दे सकते थे। इसका मतलब ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पे इस तरह की बातें हो रही है और कहीं ना कहीं सरकार को एक तरह से नीचा दिखाने का काम हो रहा है। सरकार चूँकि 15 अगस्त था, 14 अगस्त को मुख्यमंत्री जी जाते तो एक अस्थिरता का माहौल बनता, उसका भारतीय जनता पार्टी लाभ उठाने का प्रयास करती। तो अगर 14 को नहीं किया तो 17 को बुला लेते, 17 को नहीं बुलाते 18 को बुला लेते। अगर 10 दिन आप छोड़ सकते थे तो पहले ही 24 को बुलाना था, 15 अगस्त के एक दिन पहले बुलाने की क्या ज़रूरत थी। तो ईडी की मंशा साफ साफ नज़र आती है। और चूँकि हम लोग कानून को मानने वाले, संविधान के मानने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से कानून का सहारा लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो हो ही रही है जी। जब ईडी 15 अगस्त को मुख्यमंत्री को झंडा फहराना होता है और 14 अगस्त को उनको समन करती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ही है कि कोई एक जो संस्था है वो सीधा मुख्यमंत्री को समन कर रही है और फिर 14 तारीख को नहीं बोल करके फिर सीधे 24 तारीख को कर रही है। तो पहले ही 24 को करना चाहिए था। तो इस तरह की हरकत सही में देश के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। देखिए, यह तो होता है किसी भी आदमी, आम जिंदगी में किसी का आदमी को अगर न्याय नहीं मिलता है तो न्यायालय पर जाता है। ये हमारा संविधान में है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र का प्रक्रिया में संविधान जो रचा है उसके तहत ही सब कोई जाते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।